2004 में जिस मंदिर की नींव रखी गई और 2010 में उसी मंदिर पर माँ वैष्णो देवी मंदिर जम्मू से अखंड ज्योति जलकर आई थी और स्थापना हुई एक भव्य मंदिर की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फरीदाबाद से 4 किलोमीटर दूर आगरा इटावा हाईवे के निकट स्थित गांव सैनी के बारे में, माँ वैष्णो देवी धाम मंदिर की। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा मंदिर घुमाते हैं और बात करते हैं इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में। मंदिर की एंट्री नौ किलोमीटर समथिंग। देख झुक रहो ही नीचे यार, ज्यादा रहो यार। अब हाईवे पे दिक्कत नहीं आ गई, हाईवे पे दिक्कत नहीं आ गई। नहीं सारे नौ करके नीचे चली आई और नीचे जाओ है। अपना भी हो चुकी है हालत खराब, देखो दोस्तों अपना पकड़े अपना ले यार। अपना मुखोटी बहुत बुरी तरह अदरा है ब्रॉग में, अपना आदो टेन दिन बदले यहाँ मार्के में पढ़ाए तुम मुझे इंटन से पहले उड़ी जा भाई। माइक्रोफोन कैमरा साफ कर लियो यार। गेट से पहले ही हमको बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेंगी जहां से भक्तजन पूजा की थाली और प्रसाद खरीद सकते हैं और साथ ही मैं अपना सामान और वाहन रख सकते। मंदिर में एंट्री करते ही हमको मंदिर का बहुत ही प्यारा नजारा देखने को मिलेगा। मंदिर में प्रवेश करते ही हमको सबसे पहले माँ दुर्गा की बहुत ही प्यारी प्रतिमा के दर्शन होंगे और साथ ही मंदिर की आकर्षक कलाकारी का रूप देखने को मिलेगा। माँ दुर्गा के दर्शन के बाद हम चलेंगे यहाँ की सबसे आकर्षक और चर्चित जगह, 501 फीट लंबी माँ वैष्णो देवी की गुफा, जहाँ हमें नवदुर्गा माँ के 9 स्वरूप के दर्शन होंगे और साथ ही में गुफा के बीच में माँ वैष्णो देवी के दर्शन मिलेंगे। इस गुफा के बाद हम दूसरी गुफा भैरव बाबा की गुफा की ओर बढ़ेंगे जो कि 201 फीट लंबी गुफा है, जिसमें हमें हनुमान बाबा के पंचमुखी अवतार के दर्शन होंगे और साथ ही में बाबा भैरवनाथ जी के। दोनों गुफा के दर्शन करने के बाद बाहर लगे इस स्तंभ पर धागा बांध के हम अपनी मनोकामना मांग सकते हैं और साथ ही नारियल फोड़ के जल माँ के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। इस मंदिर पर जो भी भक्त अपने श्रद्धा के साथ मनोकामनाएं मांगते हैं उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस पेज को फॉलो करें और वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों में शेयर करें। बोल साचे दरबार की जय।